है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है, बोले पुरुष बेचारा सहन शक्ति है। ताली वाली बजा दो यार जरा भाव। वो बोला ये बोला, फिर बोला बाबा मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है विवाह क्या है। अब बात का आप लोग आनंद लेना। महेश बाबू बोले शादी क्या है विवाह क्या है। बोले बेटा शादी दो आत्माओं का मिलन है। एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। अरे बोला बाबा तू अभी भी लुगाई पर अटका हुआ है क्या, अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है। बोला अभी भी उतना ही प्यार करता हूं और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना। और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। तू लुगाई पे अटका हुआ। अब साहब बोले तू ये बता तू बाबा जी कैसे हुआ। बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। हरिद्वार लेकर गया तो पत्नी ने गंगा स्नान किया चेयरमैन साहब। आप वाली ने बिल्कुल नहीं किया। पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी आप जानते हैं बहुत तेज ठंडा होता है, पत्नी को बहुत तेज खांसी हो गई। अब जो नया नया पति होता है वो अतिरिक्त भाव पहले ये बता